9:09 का पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से यह आह्वान किया था, यह अपील की थी कि 5 अप्रैल को आप सभी लोग, उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस वक्त देश में एक एक व्यक्ति कोरोना से जंग लड़ रहा है, उनके लिए आप 5 अप्रैल को 9:09 का समय निकालिए और अपने घरों के सामने दिए, दीपक, टॉर्च, हेडलाइट जलाइए। तभी हम आए हैं ऐसी एक सोसाइटी के अंदर जहां जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर, सोसाइटी वालों ने मिलकर एक प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर देखिए किस तरीके से भारत का नक्शा तैयार किया है। भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं चारों तरफ मोमबत्ती लगाई गई हैं और बीच में दीपक लगाया गया है। बस थोड़ी देर बाद यह सभी लाइटें जो आपको इस वक्त जलती हुई दिख रही हैं बंद हो जाएंगी और यहाँ पर सभी लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सभी लोग उन लोगों के लिए 9 मिनट के लिए ज़रूर निकालेंगे और टॉर्च, मोमबत्ती, लाइट जरूर जलाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं 9 बच्चों के हैं। तमाम जो लाइटें इस मोहल्ले में जल रही थी, इस गली में जल रही थी, वो बंद हो चुकी हैं। घर की लाइटें बंद हो चुकी हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान पूरी देश की जनता से किया था कि आप लाइटें बंद करके और उस जो लोग भी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ रहे हैं या संक्रमण से भी नहीं लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए, तमाम मीडिया कर्मियों के लिए, तमाम उस देश की जनता के लिए एक आह्वान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि उनके लिए आप लोग 9:09 का समय निकालकर अपने घरों के अंदर दिया जलाइए, दीप जलाइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये खास तस्वीरें हैं। आगरा के शंकरपुरी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मोमबत्तियां लगाई गई हैं और बीच में दिए लगाए गए हैं, देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर, गली वालों ने मिलकर किस तरीके से प्रधानमंत्री के आह्वान पर, ये देखिए टॉर्च लेकर लोग अपने अपने द्वार पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दिए, दीपक, मोमबत्ती लेकर। उन लोगों को यह एहसास नहीं होना चाहिए जो लोग इस वक्त कोरोना यानी कि महामारी के संक्रमण से भारत लड़ रहा है, उन लोगों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो लोग अलग हैं। नहीं, ये जो इस वक्त ये जो संकट की घड़ी है, पूरा देश इस संकट की घड़ी में एकजुट खड़ा हुआ है। अंधेरा है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से अपील देश में थी कि आप 9:00 5 अप्रैल को 9 मिनट के लिए पूरे घरों में अंधेरा करें, अपनी लाइटें बुझाकर उन सभी तमाम लोगों के लिए एक तरीके से सकारात्मक ऊर्जा, ये कहा जाता है कि ये सकारात्मक ऊर्जा है जिसको पूरा देश मान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान देश से किया था कि वो लोग उन लोगों के लिए थाली, चिमटा और घंटी बजाकर उनका सम्मान करें। इसी तरीके से 5 अप्रैल के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से यही अपील की थी कि जो लोग इस संकट के समय पर इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनके सम्मान के लिए, उनको ये ना लगे कि वो लोग दुनिया में, देश में अलग हैं। जी नहीं, पूरा भारत, 130 करोड़ की भारत की जनता उनके साथ इस वक्त खड़ी हुई है और इस बार कोरोना को भारत से जाना होगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये घर के दिए, पूरी गली इस वक्त जगमगा रही है, रोशनी, ये सकारात्मक रोशनी है। लोग अपने ही तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अपील का सम्मान कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये अंकल जी हैं और ये इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया था, एक तरीके से टॉर्च भी इनके हाथ में है, इनके घर के सामने दिए भी जल रहे हैं और मंजीरा जिसको जागरण में, कीर्तन में बजाया जाता है, जो अध्यात्म की एक चीज़ है, भगवान को मनाने की एक चीज़ है, ऊपर आप देख सकते हैं इनकी बालकनी पर ये देखिए टॉर्च लेकर ये महिला खड़ी हुई है, चारों तरफ दिए जगमगा रहे हैं। पूरा देश इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर जगमगा रहा है। सीधी सी बात है,
कोरोना से जिस तरीके से पूरा देश लड़ रहा है, एकजुट होकर यही आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कि एकजुट होना पड़ेगा देश को। 130 करोड़ देश की जनता एकजुट होकर इस वक्त कोरोना से लड़ रही है और खासकर उन लोगों का सम्मान कर रही है जो लोग इस संकट की घड़ी में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वे रेहड़ी पटरी वाले लोग हों, चाहे वे मजदूर वर्ग के लोग हों, मिडिल क्लास लोग हों, डॉक्टर हों, मीडिया कर्मी हों, बैंक कर्मी हों। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप। पूरा देश इस वक्त तैयार खड़ा हुआ है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि आप देश की समस्त जनता 9 मिनट जरूर निकाले, तो आप देख सकते हैं लोग अपने घरों पर दिए जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, ये देखिए आप टॉर्च जला रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो अपील है, पूरा देश इसका सम्मान कर रहा है। आह्वान जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, एक एक घर के अंदर देखिए आप जिस तरीके से, ये देखिए छतों पर लोगों ने रोशनी कर रखी है, पूरी लाइटें बंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर समस्त घर की लाइटें बंद हैं और छतों पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देख सकते हैं आप, लोग अपनी छतों पर उन लोगों को सलाम कर रहे हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से पूरे देश में एकजुट होकर लड़ रहे हैं। यानी कि अब कोरोना के संक्रमण को देश छोड़ना होगा, भारत छोड़ना होगा। सकारात्मक आप देख सकते हैं, लोग अपने घरों में मोदी जी के आह्वान पर दिया दीपक जलाकर खड़े हुए हैं, टॉर्च लेकर खड़े हुए हैं।